हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज प्लैनेट इंडिया। आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ एसएससी सीजीएल 5 अगस्त 2017 का फर्स्ट सिट का पेपर। इसमें जीके के क्वेश्चंस सॉल्यूशन के साथ इंक्लूड हैं। जो इस पेपर को दे चुके हैं वो अपने सॉल्यूशन मैच कर लें, तो जिनके पेपर आगे होने वाले हैं वो भी देख लें कि किस तरह का पेपर आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ग्रैंडसन ऑफ अशोका। अशोका का ग्रैंडसन कौन है? तो अशोका के ग्रैंडसन का नाम है संप्रति। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर इज द टेम्पल ऑफ भैरवा। भैरवा का मंदिर कहां पर है? भैरवा का मंदिर है उज्जैन, मध्य प्रदेश में। थर्ड क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी केम आफ्टर तुगलक। तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तो तुगलक वंश के बाद आया था सैयद वंश। इसका आंसर है सैयद वंश। फोर्थ क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक सेल आउट। सेल आउट बुक के लेखक कौन है? सेल आउट बुक के लेखक हैं फ्रेंड्स पॉल बेटी। इन्हें 2017 मैन बुकर प्राइज भी दिया गया था। काफी फेमस रही थी इनकी ये बुक। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हेन द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया। कैबिनेट मिशन इंडिया कब आया? तो 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया आया था। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हु इज द वीसी ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के वाइस चांसलर कौन है? नीति आयोग के वाइस चांसलर हैं अरविंद पनघड़िया। सेवंथ क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ फोर्स इज। बल की यूनिट क्या है? बल की यूनिट होती है न्यूटन। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, कभी कभी फोर्स की डायमेंशन भी पूछ ली जाती है, तो आप ध्यान रखें फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-1। एट क्वेश्चन है, मिनिमम एज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की मिनिमम एज क्या होती है? तो वाइस प्रेसिडेंट की मिनिमम एज होती है 35 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर एंड आइडियल वोल्टमीटर आर। आदर्श अमीटर और वोल्टमीटर के प्रतिरोध क्या होते हैं? यदि कोई भी अमीटर और वोल्टमीटर आदर्श है तो उसका प्रतिरोध जीरो होता है। टेंथ क्वेश्चन है, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष कौन से रिलेटेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? तो आपको मैं बता दूं, पन्नालाल घोष बांसुरी वादक है, तो यही इसका आंसर होगा। 11th क्वेश्चन है, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल प्रेसिडेंट हैज द पावर टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल के अंतर्गत प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने का अधिकार है? तो आर्टिकल 143 है, इसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है किसी भी मामले में। लेकिन आपको मैं बता दूं, वो सिर्फ कंसल्ट कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माने ही। तो 12th क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ फीफा। फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर है? फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिच में। ये भी काफी नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 13, हु कॉल्ड गांधी महात्मा। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता भी रविन्द्रनाथ टैगोर ही है। 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि पुस्तक के लिए। 14th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड क्विक लाइम। क्विक लाइम किसे कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्विक लाइम बोला जाता है। 15th क्वेश्चन है, विच स्टेट इज कार्बन फ्री। कार्बन फ्री स्टेट कौन सा है इंडिया का? तो हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो कार्बन फ्री घोषित किया गया है। 16th क्वेश्चन है, विच सिटी इज कॉल्ड क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी। तो इसका आंसर है गाइस, वेनिस। वेनिस को एड्रियाटिक सी की क्वीन बोला जाता है।
सेवेंटींथ क्वेश्चन है, अब फर्स्ट अफ्रीकन पेपर ऑफ गांधी जी वॉज, गांधी जी का फर्स्ट अफ्रीकन पेपर कौन सा था? तो इंडियन ओपिनियन था, इंडियन ओपिनियन गांधी जी का फर्स्ट अफ्रीकन पेपर था। 18th क्वेश्चन है, व्हाट इज सीनेट, सीनेट क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट को सीनेट बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया की संसद को सीनेट कहा जाता है। 19th क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ WEP, WEP की फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर होगा वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। 20th क्वेश्चन है, यूरो कप 2016 विनर, यूरो कप 2016 का विनर कौन था? तो पुर्तगाल देश था। 21th क्वेश्चन है, वंदे मातरम इज टेकन फ्रॉम, वंदे मातरम कहां से लिया गया है? आनंद मठ से वंदे मातरम लिया गया है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे लिखा था, इसे सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा ही। 22 क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर सोइल मॉइस्चर टेंशन, सोइल का मॉइस्चर टेंशन मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? तो टेंसियोमीटर होता है, जिससे सोइल का मॉइस्चर टेंशन हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अवार्डेड बाई पाली उमरीगर थर्ड टाइम पाली उमरीगर अवार्ड किसे दिया गया था? तो विराट कोहली जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, तीनों ही फॉर्मेट में, उन्हें पाली उमरीगर अवार्ड दिया गया तीसरी टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th नवंबर 2016 मैच विद इंग्लैंड टेड एक्ट, 9 नवंबर 2016 का मैच इंग्लैंड के साथ खेला गया था, तो राजकोट में खेला गया था, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 9th नवंबर 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया यूको वेरिन मिलिट्री एक्सरसाइज 2016 वाज हेल्ड एट, इंडिया यूक्रेन मिलिट्री एक्सरसाइज 2016 कहां पर हुई थी? तो ये एक्सरसाइज हुई थी मालदीव्स में, करंट जीके का क्वेश्चन आया है। तो ये थे गाइस 5th अगस्त के फर्स्ट के जीके के कुछ क्वेश्चन। आई होप कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे और आपको सॉल्यूशन भी मिल गए होंगे। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यदि आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप हमारे वीडियोस ऐसे ही देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको हमारे सभी फ्यूचर वीडियोज नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। तो आपसे अभी के लिए विदा लेते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए देखते रहिए नॉलेज प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।